निधिन वाल्सन एसपी क्राइम ब्रांच हैं, साइबर सेल के एसपी हैं और हाल के दिनों में सुर्खियां बटोरी है लैंड ग्रैब के जो केसेस आए हैं उसके इन्वेस्टिगेशन को लेकर के। लेकिन मैं सबसे पहले शुरुआत करना चाहूँगा, कैंसर के स्टेज फोर के सर्वाइवर हैं और 13 नवंबर को आयरन मैन जो कंपटीशन हुआ था उसके तीनों ही कैटेगरीज में यानी रनिंग, स्विमिंग एंड साइकिलिंग में इन्होंने पूरा पार्टिसिपेट किया और पूरे जो कंपटीशन है उसको फिनिश किया। स्टेज फोर के चूँकि ये सर्वाइवर रहे हैं तो एक बहुत बड़ी बात ये है कि इन्होंने वापस से इस बात को साबित किया कि आपके डिसिप्लिन और डिटर्मिनेशन आपको फिर से कैंसर को हरा करके अपनी क्षमता को वापस करने में काफ़ी मदद करता है। सर सबसे पहली बात कि आपको कब पता लगा कि कैंसर से आप पीड़ित हैं और स्टेज फोर तक बात चली गई थी, क्या हुआ था, कैसे वो जर्नी रही है तब से लेकर के आज एक आयरन मैन के कॉम्पिटिटर के तौर पर? मुझे कैंसर के बारे में, मुझे कैंसर है ये मुझे जनवरी एंड 2021 में पता चला। तो सबसे पहले मुझे सिम्टम स्टार्ट किया था नवंबर में बॉडी में पेन स्टार्ट होना शुरू हो गया, फिर मेरा नींद कम होना शुरू हो गया, रात को सोने में प्रॉब्लम हुआ बिकॉज ऑफ द पेन। फिर सबसे बड़ा सिम्टम था कैंसर का वेट लॉस, जो 2-2.5 महीने में मेरा 9 किलो वजन ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया, 80 केजीज़ के आसपास थे जब मैं नवंबर में थे तो, और जनवरी एंड तक मेरा वेट हो गया था 72 केजीज़, सो दैट वाज वेरी सरप्राइजिंग। और दूसरा ये था कि रिपीटिटिव पेन हो रहा था, मैं खाना नहीं प्रॉपरली खा नहीं पा रहा था क्योंकि जब भी कोई हमारा जो नॉर्मल इंडियन फूड है जो जिस लिटिल बिट ऑफ स्पाइसी फूड जब भी मैं खाता था जैसे दाल हो गया तो इट वाज वेरी डिफ़िकल्ट फॉर मी टू ईट, तो इट वाज नॉट पॉसिबल टू अंडरस्टैंड ऑल्सो मुझे क्या हो रहा था। सारे इन्फेक्शन स्कीम में टेस्ट कर रहा था लेकिन कोई इन्फेक्शन नहीं है। दूसरा मैं थोड़ा सा फिटनेस रनिंग तो करते थे मॉर्निंग में, तो ऐसा भी लगा कि यार रनिंग के कारण तो मेरा वेट कम नहीं हो रहा था। तो एक बार मैं छुट्टी गया केरला में, जब केरला में छुट्टी गया तब मेरा तबीयत बहुत ही ख़राब हो गया तो मैंने डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने बोला कि या हमको एक बार चेक करना पड़ेगा। तो जब उस टाइम जब स्कैन किया सो द डॉक्टर्स फाउंड समथिंग सस्पिशियस, तो बोला कि आपके नेक में बहुत बड़ा लिम्फ नोड्स है तो दैट इज़ समथिंग विच इज़ सस्पिशियस, यू हैव टू डू ए बायोप्सी। तो फिर एक बायोप्सी किया, बायोप्सी में ऑलमोस्ट कन्फर्म हो गया कि कैंसर है। जस्ट कैंसर कन्फर्म होने के बाद फिर नेक्स्ट स्टेज ऑफ कैंसर इज़ लाइक यू हैव टू फाइंड आउट द स्टेज ऑफ द कैंसर, तो उसको करने के लिए देयर इज़ ए टेक्नोलॉजी कॉल्ड पेट स्कैन। तो पेट स्कैन में किया, पेट स्कैन में ये पता चला कि मतलब कैंसर स्प्रेड ऑल थ्रू आउट माई बॉडी। अभी भी मेरे पास वो रिपोर्ट के, तो मेरा इस साइड से शोल्डर के दोनों साइड्स इधर थे तक, इनफैक्ट इधर भी थे, और इस साइड से फ्रॉम नेक पोर्शन टिल हियर द कैंसर हैड स्प्रेड ऑल ओवर द बॉडी, मेरे स्टमक में, किडनी में, बोन मैरो, लंग्स, एवरीवेयर द लिम्फ नोड्स हैड बिकम वेरी बिग इन साइज। सो दे सेड इट इज, डॉक्टर सेड इट इज स्टेज फोर कैंसर एंड इमीडिएटली यू हैव टू अंडरगो ट्रीटमेंट, एंड द ट्रीटमेंट दे सजेस्टेड वॉज कीमोथेरापी। तो बोला कि एमरजेंसी में कीमोथेरापी करना है, तो इमीडिएटली मैंने अपने सीनियर ऑफिसर्स को बताया सर मैं गोवा नहीं आ पाऊँगा, डॉक्टर से बोल रहे कि थोड़ा सा सीरियस है। उस वक्त तक मैं छुट्टी केरला गया था, तो मैं बोला सर मैं वापस नहीं आ पाऊँगा, तो बिकॉज कोविड वॉज ऑल्सो एक्चुअली पिकिंग अप, तो फिर मैं इमीडिएटली वहाँ पर कीमोथेरापी स्टार्ट किया। फिर मैं 6 साइकिल्स ऑफ कीमोथेरापी किया, कीमोथेरापी करने के बाद वंस द डॉक्टर सेड आई एम फिट इनफ टू स्टार्ट वर्किंग देन आई केम बैक टू गोवा। उस टाइम आपने बताया कि कोविड भी था ना, कोविड और कैंसर उस टाइम प्रिकॉशन लेना और भी मुश्किल हो रहा था। यस जब मेरा ट्रीटमेंट चल रहा था तो कीमोथेरापी में क्या होता कि कीमोथेरापी में द बॉडीज इम्यूनिटी सिस्टम इज कम्प्लीटली कॉम्प्रोमाइज्ड। बेसिकली जो मेरा जो कैंसर जो मुझे हुआ था इट इज़ ऑल्सो नॉन एज नॉन हॉजकिंस लिम्फोमा। नॉन हॉजकिंस लिम्फोमा अफेक्ट्स द इम्यूनिटी सिस्टम ऑफ द बॉडी, तो कैंसर के कारण ऑलरेडी मेरे इम्यूनिटी सिस्टम खराब हो गए थे, और जब कीमोथेरापी करते हैं कीमोथेरापी भी बाय डिफॉल्ट एवरी कीमोथेरापी रिड्यूसेस द इम्यूनिटी सिस्टम ड्रास्टिकली, सो माय इम्यूनिटी वाज आल्सो वेरी लो एंड एट दैट टाइम कोविड वाज इन इट्स पीक। तो माय डॉक्टर्स एडवाइज मी नॉट टू ट्रैवल,
आप तो बिल्कुल घर के अंदर ही रहना चाहिए, या फिर जब जहाँ पे ट्रीटमेंट हो रहा है वहीं पे रहना चाहिए, यू शुड नॉट गो आउट. तो सो बिकॉज ऑफ दैट रीज़न मैं कहीं जा नहीं पाया. तो इनफैक्ट आई एम वेरी थैंकफुल टू द गवर्नमेंट, सीएम सर, प्रमोद सावंत सर, और चीफ सेक्रेटरी सर और डीजीपी सर, हमें मुझे सपोर्ट दिया, मुझे परमिशन दिया टू स्टे बैक इन केरला बिकॉज इट वॉज एन एमरजेंसी. तो फिर आई अंडरवेंट ट्रीटमेंट इन दैट पर्टिकुलर प्लेस ओनली एंड आई टुक ऑल द प्रिकॉशंस. बिकॉज ऑफ दैट प्रिकॉशंस मैं ट्रीटमेंट के टाइम कोविड से बच गया. फिर क्या हुआ, जब मैं ट्रीटमेंट के बाद जब वापस आया तो कीमोथेरेपी का ये जो इफेक्ट है इट लास्ट इन योर बॉडी फॉर अ लॉन्ग टाइम. आपकी इम्यूनिटी सिस्टम वापस आने में टाइम लगेंगे. सो अक्टूबर 2021 में व्हेन आई केम बैक टू गोवा तो मुझे फिर इधर से कोविड भी हो गए थे. कोविड होने के बाद फिर थैंक्स टू द डॉक्टर्स ऑफ गोवा मेडिकल कॉलेज दे सेव्ड मी बिकॉज माई इम्यूनिटी वॉज वेरी लो. सो कोविड हैड क्रिएटेड लॉट ऑफ डैमेज इन टू माई बॉडी बट द गोवा मेडिकल कॉलेज की डॉक्टर्स की स्मार्टनेस कैपेबिलिटी से आई वॉज सेव फ्रॉम कोविड ऑल्सो. बट बिकॉज ऑफ द कोविड अगेन माई बॉडी हैड टू सफ़र. तो कैंसर हो गया, कीमोथेरेपी हो गया, देन कोविड. कोविड के बाद दिसंबर में एक नया कोविड आ गया था ओमिक्रॉन करके, ओमिक्रॉन भी मुझे इन्फेक्ट हुआ. तो ऑल टुगेदर 2021 में माई बॉडी हैड टू गो थ्रू द वन ऑफ द वर्स्ट फेसेस ऑफ माई लाइफ. सर जैसा आपने बताया कि ओमिक्रॉन जो सबसे खतरनाक स्टेज माना गया था कोविड का, उसमें भी आप इन्फेक्टेड थे और साथ ही इम्यूनिटी सिस्टम काफ़ी डाउन था, तो क्या आपने किस तरीके से अपने शरीर को संभाला, किस तरीके से वो इम्यूनिटी वापस पाई? सी एक तो आई वुड लाइक टू से द वैक्सीन ऑफ उस टाइम जो वैक्सीनेशन ड्राइव जो हुआ था, आई एम थैंकफुल टू द वैक्सीनेशन ड्राइव दैट इट गेव मी अ लॉट ऑफ प्रिकॉशन. आई हैड टेकन बाय द टाइम आई गॉट ओमिक्रॉन मैंने दोनों वैक्सीन लिया था. बिकॉज ऑफ द टू वैक्सीन विच आई टुक आई वॉज एबल टू विदस्टैंड ओमिक्रॉन. तो ओमिक्रॉन मुझे ज़्यादा इफेक्ट नहीं किया. बट द प्रॉब्लम वॉज इन द फर्स्ट कोविड विच जो अक्टूबर में मुझे हुआ था. क्या हुआ था कि मतलब बिकॉज ऑफ द कीमोथेरेपी उस टाइम मैं वैक्सीन नहीं ले पाया. तो मेरा फर्स्ट वैक्सीन जो लिया था वो इट वॉज जस्ट आफ्टर द ट्रीटमेंट. बिकॉज ऑफ दैट वैक्सीन माई बॉडी वॉज स्ट्रॉन्ग बट बिकॉज ऑफ द कीमो द इफेक्ट वॉज एक्चुअली मोर. सो बिकॉज ऑफ दैट द फर्स्ट टाइम जब कोविड हुआ था उस टाइम थोड़ा सा मुझे ज़्यादा लगा था बिकॉज आई हैड टू बी इंस्टीट्यूशलाइज्ड, आई हैड टू बी हॉस्पिटलाइज्ड. फिर मैं जीएमसी में एडमिट रहा. जीएमसी की मेडिकल टीम ने मुझे काफ़ी अच्छा ट्रीटमेंट दिया. बिकॉज ऑफ दर गुड ट्रीटमेंट आई वॉज एबल टू कम आउट ऑफ कोविड एट दैट टाइम.